सलाम वालेकुम। हम लोग सुबह सुबह रावलपिंडी स्टेशन पहुंच गए थे। थोड़ा हमने इंतज़ार किया दिन निकलने का, और हाई रूफ हमने कर ली थी। यहाँ पर मरी के लिए हम लोग रवाना हो चुके हैं। ये देखिए, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है और बर्फ़ भी नज़र आ रही है, काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये देखिए, पीछे से धूप भी नज़र आ रही है, धूप भी निकली हुई है और बर्फ़ भी पड़ी हुई है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आज हम मरी पहुंच गए हैं। बर्फ़ बहुत है, मगर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर धूप निकली है तो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही, और बहुत अच्छा लग रहा है। थकन तो हो गई, मगर यहाँ पे आके सारी थकन दूर हो गई। हसन आ गया, वाला चुन्नू मुन्नू भी आ गया भाई। ये तो इसने रास्ते में बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। बोला मुझे टोपा क्यों पहना रहे हो, मुझे जैकेट क्यों पहना रहे हो, लो लो लो, मुझे ग्लव्स क्यों पहना रहे हो। यहाँ पे धूप निकली हुई है, मगर फिर भी बहुत ठंड है, क्योंकि 18 साल के बाद रिकॉर्ड टूटा है। ये मरी में इतनी बर्फ़बारी हुई है, और बहुत बर्फ़बारी है, और अभी जो धूप निकली है उससे जो बर्फ़ पिघल रही है, इस वजह से देखिए सारा पानी पानी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई है, मगर धूप में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और चढ़ाई की वजह से थोड़ी सी सांस फूल रही है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे उतनी ऑक्सीजन की कमी होती है। आज मरी में हमारा सेकंड डे, और हम लोग पटियाला के लिए रवाना हो गए। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको पटियाला की सैर कराऊंगी। और यहाँ बीच में एक पॉइंट आया था जहाँ पर हम लोग रुक गए। ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है, यहाँ पर बच्चों के झूले भी बने हुए हैं और पार्क भी बना हुआ है यहाँ पर। ये मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं जो बयान करने से बिल्कुल बाहर है। पीछे तक पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़, और पीछे पीछे बर्फ़ जमी हुई है। ऐसा लग रहा है जन्नत के नज़ारे हैं। बस हर चीज़ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में दी है, और हम खुश नसीब है जो हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, ये बोलूँगी हम। और यहाँ पर चारों मौसम है, गर्मी भी है, सर्दी भी है, और बर्फ़बारी भी है, खिज़ा भी है। चारों मौसम का हम लुत्फ़ उठाते हैं, क्योंकि एक मौसम से इंसान बेजार हो जाता है।
देर पार्क में घूमने के बाद हम पटियाला के लिए दोबारा रवाना हो गए, और ये पटियाला का रास्ता है। ये हम पटियाला पहुंच गए हैं, और ये एंट्री है पटियाला की। और यहाँ पर चंद शॉप्स हैं जो मैं यहाँ पर आते ही इन शॉप्स में थोड़ा सा सामान मैं ख़रीदूँगी। और काफ़ी अच्छा सामान है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। और यहाँ पर नहीं चाहते हुए भी इंसान का दिल करता है कि हम कोई चीज़ें ले लें। ये मेरे दुपट्टे इतने खूबसूरत लग रहे थे, ये मैंने लिए हैं गिफ्ट में देने के लिए। हर कलर में लिए हैं मैंने, बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है। कुछ ज्वेलरी लिए मैंने, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ हैं, कड़े हैं और ब्रेसलेट वगैरह हैं, और मुनासिब कीमत पे हैं। मुझे तो बहुत सस्ता लगा ये बाज़ार। ये लकड़ी का काम हुआ हुआ है इन बेंगल्स पे, और ये ब्रेसलेट हैं, ये भी मैंने लिए हैं कुछ जो मुझे अच्छे लगे। अब हम चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से मैं आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगी। हमने चेयर लिफ्ट का सफ़र कर लिया है और हम लोग काफ़ी ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग केबल कार के ज़रिए और ऊपर जाएंगे। मैं इससे पहले कभी केबल कार में नहीं बैठी, चेयर लिफ्ट में तो मैं बैठी थी, मगर फर्स्ट टाइम मैं केबल कार में बैठ रही हूँ। और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी ऊँचाई है और सिर्फ इस ये तार में ही हमारी केबल कार जा रही है। शोर नहीं करो, शोर नहीं करो। माय गॉड, तो इधर चेयर लिफ्ट बटन लग रहा है जी। ओए, मेरा दिल बंद हो रहा है। फर्स्ट टाइम बैठी हूँ मैं इसमें। फोर्थ राइड बोलना। हम लोग केबल कार के ज़रिए काफ़ी ऊंचाई पे आ गए, और यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट बना है। मेरी फैमिली के और मेंबर हॉर्स राइडिंग के लिए गए, मगर मैं नहीं भी गई क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। हम लोग पटियाला से शाम को हम लोग आ गए थे, काफ़ी देर वहाँ रहे हम लोग, और आज हमारा मरी में थर्ड डे है। आज हम लोग रवाना हो रहे हैं अयूबिया के लिए, तो यहाँ पर हम लोग वैन कर रहे हैं। अयूबिया जा रहे थे हम लोग, मगर रास्ते में बर्फ़बारी हो गई और हम लोग जांगला गली में ही हम लोग रुक गए। यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉइंट है और बहुत बर्फ़बारी हो रही है, यहाँ पर ही हम लोगों को मज़ा आ रहा है। आगे जाना मुनासिब नहीं था, तो हम लोग यहाँ से ही वापस मरी जाएंगे थोड़ी देर रहने के बाद। बहुत बर्फबारी हो रही है, बहुत तेज बर्फबारी है, मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। देखिए कितनी बर्फबारी हो रही है। बहुत ज्यादा, चलो चलो चलो, बर्फ ही बर्फ है।
हम यहाँ से तीन दिन से हम लोग रुके हुए थे बर्फ़ देखने के लिए, और आज हम अयोध्या आए, मगर रास्ते में बर्फबारी हो गई, बहुत अच्छा लग रहा। और हमारे मुँह में से और नाक में से बर्फ़ की वजह से धुआं निकल रहा है। और अभी हम चाय पीएंगे वहाँ पर गर्म गर्म, और लोग बाहर आ रहे हैं बर्फ़ देखने के लिए। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल जन्नत के नज़ारे लग रहे हैं, बहुत देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ओरिजिनल बर्फ़ देखने में की जो बात है ना, वो तो बात ही क्या है। चाय पकौड़े कॉफी चाय, बर्फबारी हो रही है, बहुत बर्फबारी हो रही है, इतनी बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी हो रही है बहुत तेज, हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, वो सब धुआं भी निकल रहा है बहुत सारा। देखिए लोग वापस आ रहे हैं, बर्फबारी ज़्यादा हो गई तो यूपी लोग वापस आ रहे हैं, और हम भी अयोध्या जा रहे थे मगर हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और अब हम आधे रास्ते से बंदर गली से हम वापस जाएंगे मरी, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो गई। बंदर आ गए बर्फानी बंदर नहीं है, बड़े काम का बंदर बच्चा जमूरा नाच के दिखा, बस अमर बस लटक जाएगा तुझ। वो ये क्या दे रहा है, हाजी मुला गोली, हाजी मुला गोली खाओ, बहुत तेज है, शरीर भी है ये, बहुत शरीर बंदर है। ओ ये चाय गरम गरम बैठ जाए, हाँ तो अंदर की चल आ रही हाथ से लिए। अभी चाय पी के गर्माश आ गई, फिर हम वापस निकल आए बर्फबारी। आज हम लोगों का मरी में आखिरी दिन है, और यहाँ पर सब लोगों को बहुत मज़ा आया, मेरी फैमिली को और मुझे, और हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर अच्छे अच्छे नज़ारे देखे। पहले दिन हम जब लोग आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी धूप निकली हुई थी और बर्फ़ पिघल रही थी, दूसरे दिन बारिश हुई और तीसरे दिन काफ़ी बर्फ़बारी हुई, तो तीनों मौसम हमने बहुत अच्छे देखे, खूब इंजॉय किया हम लोगों ने। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट्स करना और अपनी राय देना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।